अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक की रहमत से हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो आज जैसा कि ईद का दिन है, मेरी तरफ से तमाम मुसलमानों को ईद उल अज़हा मुबारक, और अल्लाह पाक से उम्मीद करते हैं कि अल्लाह पाक ऐसे हज़ारों साल हज़ारों ईदें हर किसी को देखना नसीब करें, और ये साल नेक्स्ट जो आने वाला इस्लामी साल है, तमाम मुसलमानों के लिए खुशियों का साल हो, और हमारे मुल्क के लिए अल्लाह पाक बेहतरी करें। और इसके अलावा प्यारी प्यारी दुआओं से सुबह का आगाज़ हो चुका है, तो यहाँ पे मैंने सुबह सुबह उठ के मेरे हस्बैंड और आन मोहम्मद को तैयार करवाया, और वो चले गए नमाज़ पढ़ने के लिए, तो वो ईद की नमाज़ पढ़ के आए। तो उसके बाद मैंने बनाई सेवैयाँ, क्योंकि जैसा कि ईद का त्यौहार है, तो बेशक मतलब गोश्त वगैरह तो बाद में पकाया जाएगा जब मतलब बाहर से वो ज़िबा वगैरह जानवर हो जाएंगे लेके आएंगे, लेकिन फ़िलहाल ईद के दिन तो मतलब सेवैयाँ वगैरह जो हैं वो एक हमारा त्यौहार है, खानी होती है। तो यहाँ पे ये मैं आन मोहम्मद के लिए, उसके बाबा के लिए और बाकी बच्चों के लिए जिसने भी खानी, ये 3 प्लेट्स में ना डाल के ले आई हूँ। तो यहाँ पे बच्चियों को मैंने रेडी किया है, और सब बच्चे माशाल्लाह रेडी हो गए हैं, तो अभी वो सेवैयाँ खाएंगे। उसके बाद मैं आपको उनकी तैयारी दिखाती हूँ कि कैसे कैसे वो लोग तैयार हुए हैं, और आगे जो जो भी दिन भर में होगा मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। तो बस जुड़े रहिए और देखते रहिए, आज का व्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। गाइस, तो यहाँ पे मैं जो हूँ सफाइयाँ कर रही थी, और बच्चों को मैंने बुला लिया, ये तैयार होकर बाहर चले गए थे क्योंकि बकरे वगैरह ज़िबा हो रहे थे। तो मैं अभी आप सब आपको इन सब से मिलवाती हूँ। थोड़ा सा पीछे हो जाओ ना बेटे, यहाँ पे मीरा फातिमा की तैयारी देखिए, थोड़ा सा पीछे हो जाओ, अस्सलाम वालेकुम करो, आ जाओ। और यहाँ पे मेरे साथ फरवा है और ऑन मोहम्मद है यहाँ पे, बिल्कुल वालेकुम अस्सलाम, रेडी होके खड़ा हुआ है, शाबाश मेरा बच्चा। और अभी मैं हुरैन को बुलाती हूँ, हुरैन आ जाओ बेटे, हुरैन आ जाओ। यहाँ पे देखिए हुरैन फातिमा मेरे साथ कितनी प्यारी लग रही है, माशाल्लाह मेरी बेटी भी रेडी होके खड़ी हुई है, दिखाओ पीछे हो जाओ थोड़ा सा, शाबाश गुड गर्ल। गाइस, तो अब मैं जो हूँ यहाँ पे बना रही हूँ मतलब मटन निहारी, तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे गोश्त जो है वो मैंने वॉश करके गलाने के लिए रख दिया, तो इसमें मैंने मोटे मोटे से प्याज भी डाल दिए ताकि ये इसके साथ ही गल जाएंगे। और ये जो है मटन है, क्योंकि बकरा हमारा जल्दी बन गया था, और बड़ा जो है मतलब कट्टे में जो था वो अभी बन रहा है, उसको थोड़ी सी देर है, तो बस अभी मैंने इसको, मैंने कहा जब तक मर्द हजरात फ्री होंगे मेरे हस्बैंड, तो ये खाना वगैरह उनके लिए तैयार होगा। और यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ किचन जो है वो मैंने नीट एंड क्लीन कर दिया। यहाँ पर मैंने आटा भी बना के रख लिया है, तो साथ में मैं एक साइड पर रोटियाँ बना लेती हूँ, क्योंकि आज तो ईद का दिन आता है तो दूर बंद होंगे, तो बस रोटी घर ही बनानी पड़ेगी। साथ में इधर सारम भी मैंने चढ़ा दिया, और यहाँ पे मेरे पास मीरा भाई हुई है, और यहाँ पे देखें घर जो है मैंने सारा नीट एंड क्लीन कर दिया, माशाल्लाह से बहुत प्यारा लग रहा है। बस अभी दूसरा मीट जो आएगा तो वो बना के, तो उसके हिस्से वगैरह बनाएंगे, और गरीब गुरबा में जो भी तकसीम करने वाला होगा तकसीम करेंगे। उसके बाद मेरी जो जो रूटीन होगी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। जी गाइस, तो हमारा बड़ा का जो हिस्सा था वो गोश्त वगैरह जो था उसका मीट आ गया था, फिर मैंने और मेरे हस्बैंड ने बैठ कर उसको काटा, उसके हिस्से वगैरह बनाए, जो तकसीम करने वाला था वो तकसीम किया, बाकी जो घर का था रखना था वो हमने रख दिया। और उसके बाद जो है मैंने आपको दिखाया था खाना वगैरह हमने लंच किया, खा चुके थे, और शाम तक बस काम में ही सारा गुजर गया, इसलिए मैं ज़्यादा शूट ही नहीं कर सकी। और उसके अलावा फिर शाम में थोड़ा सा रेडी होके तो मैं अपनी सिस्टर के घर चली गई थोड़ी देर के लिए, मैंने कहा जाऊं तो मैं उसे ईद मिल के आऊं। उसके बाद वापस आए तो बस बहुत थके हारे सारा दिन काम कर करके, तो बस फिर सो गए। तो अभी जो है नेक्स्ट डे की मॉर्निंग है, मतलब ईद का सेकंड डे है, तो मैं अभी अपने व्लॉग का यहीं पे एंड करने लगी हूं, और मिलूंगी आपसे एक नेक्स्ट न्यू व्लॉग में। और आपसे फिर मेरी एक बार फिर से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।